वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू. मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं YD योर इंग्लिश ट्यूटर, आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यूज़पेपर के जरिए आपकी इंग्लिश के स्किल्स को डेवलप करने का. आज करने वाले हैं द हिंदू का सेकेंड एडिटोरियल विच इज़ बेस्ड एज स्टैगरिंग स्प्रेड डिजीज से ऊपर रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड एडिटोरियल है मीजल से, जिसको हम खसरा भी बोलते हैं. बहुत अच्छा लिखा हुआ है. एक दो नई चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा, छोटा सा एक क्विज भी रखा है आपको जो है ना, एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे आज हम. फटाफट से शुरू करते हैं. नए हो चैनल पे तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें. जो तलाश में आप यहाँ पे आए हैं इंग्लिश को बिगनर लेवल से सीखने की, मैं होप करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ आज आपकी यहाँ करके होती है पूरी. स्ट्रगलिंग स्प्रेड, देखिए स्प्रेड क्या होता है, फैलाव, किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं कई जगहों पे जाना, उसको हम कहते हैं स्प्रेड. इसको डिफ्यूजन भी बोलते हैं. और स्टैगरिंग क्या होता है, ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग को चकरा दे. स्टैगर्ड, स्टैगरिंग मतलब एकदम आपकी माइंड बॉगलिंग बोलते हैं इसको, एक वर्ड है इसके लिए माइंड बॉगलिंग. या बहुत सरप्राइज हो जाओ, आप बहुत अचंभित हो जाओ या शॉक्ड हो जाओ. तो कह रहा है बहुत स्प्रेड हो रहा है इस बीमारी का, मीजल्स का, और ये स्प्रेड है, ये है स्टैगरिंग, दिमाग को चकरा देने वाला. अब यहाँ पे स्प्रेड है नाउन, स्टैगरिंग है एक एडजेक्टिव. कैसे पता लगा मुझे, देखो ये तो वर्ब की ING फॉर्म है ना, ये वर्ब भी तो हो सकती थी. मैं कह रहा हूँ स्प्रेड है जो स्टैगरिंग है. कैसा स्प्रेड है, स्टैगरिंग है. अच्छा स्प्रेड है, लंबा स्प्रेड है, ऊंचा स्प्रेड है, काला स्प्रेड है, वैसे एक स्टैगरिंग स्प्रेड है. तो स्प्रेड की क्वालिटी को बता रहा हूँ मैं स्टैगरिंग से. प्रेजेंट पार्टिसिपल कम एडजेक्टिव, वर्ब की ऐसी ING फॉर्म जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है यहाँ पे. यही तरीका होता है, आप एक्सपीरियंस से सीखोगे धीरे धीरे कौन एडजेक्टिव है कौन नाउन है. आप मुझे फॉलो करो जो मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ. चलिए कह रहे गवर्नमेंट्स मस्ट डू मोर टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ वैक्सीन इंपॉर्टेंस. कह रहे सरकारों को है ना मस्ट, कुछ काम को करना ही पड़ेगा, उनको करना ही चाहिए. क्या करना चाहिए, डू करना चाहिए, मोर ज़्यादा, क्या टू इंक्रीज, क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए पब्लिक की अवेयरनेस को. अवेयरनेस जानते हैं ना, पब्लिक की जानकारी, पब्लिक की नॉलेज. और अवेयरनेस किस चीज़ की, ऑफ वैक्सीन की जो इंपॉर्टेंस है उसकी. वैक्सीन होते हैं टीके, आप जो इम्यूनाइजेशन करवाते हो ना, पोलियो वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन, ये वैक्सीनेशन की जो इम्पोर्टेंस है ना, उसकी अवेयरनेस पब्लिक में इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट को मस्ट करना चाहिए, और ज़्यादा उसको एफर्ट्स डालने चाहिए. टाइटल पैराग्राफ आपने मेरे साथ देख लिया, अब इसके अंदर की बारीकियाँ देखते हैं. देखिए सेंटेंस, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब हम बाद में देखेंगे. पहले यहाँ पर एक चीज़ देखो, मस्ट. मस्ट क्या होती है, मॉडल वर्ब्स. जिन लोगों ने मेरे साथ ग्रामर पढ़ना शुरू किया है, पिछले वीक आई थिंक 3 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी फर्स्ट वाली, वो लोग जानते हैं मस्ट क्या होती है, मॉडल वर्ब. देखिए ये मॉडल वर्ब्स जो जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स है ना, सबको मैंने एक स्लाइड में ले लिया. चार फैमिली होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स की, बी फैमिली, हैव फैमिली, डू फैमिली और मॉडल फैमिली. समझ लो, बी, हैव, डू और मॉडल. बी में क्या कहते हैं, ये सारे इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, वी, बीन. हैव फैमिली में हैज, हैव, हैड. और डू फैमिली में डू, डज, डिड. और मॉडल में कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, कुड, ये सब के सब क्या होती है, मॉडल्स. अब देखो इन सारी वर्ब्स का ना अलग अलग काम है, सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं. देखो सब के सब वर्ब जो ना, ये भी हेल्पिंग है, ये भी हेल्पिंग है, ये भी हेल्पिंग है, ये भी हेल्पिंग है. मैं पॉइंटर को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ. देखो ये सब हेल्पिंग है, चारों हेल्पिंग है ना. हेल्पिंग के साथ साथ में ये काम और भी करती हैं. जैसे ये बी फैमिली वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब भी होती है. लिंकिंग वर्ब आप जानते हैं, आपने ग्रामर वीडियो मेरे साथ देखा है, जो किसी सब्जेक्ट को एक कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट के लिंक कर दे. आई एम गुड, शी इज बैड. समझ लो यहाँ पे इज बन रही है लिंकिंग वर्ब. हैज वर्ब होती है, वो हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है. अकेली आ जाए तो मेन वर्ब, किसी चीज़ के साथ में आए दूसरी वर्ब के तो हेल्पिंग वर्ब. डू फैमिली की वर्ब्स मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों काम करती है, अकेले आए तो हेल्पिंग और वैसे आए तो मेन. और अगर मॉडल वर्ब लगी है तो वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होगी. मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब के अलावा कुछ हो ही नहीं सकती. देखो छोटी स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट लें, आप देख करके समझ जाएंगे कौन सी वर्ब क्या काम करती है. चारों फैमिलीज के बारे में, पहले इनके बारे में मैंने आपको बता दिया इनके काम क्या है. अब इनके साथ एक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है चारों फैमिली के साथ. मॉडल वर्ब हमेशा अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी, हमेशा कैन, कुड, मे, शुड, विल, इनके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेर इन्फिनिटिव लगेगा, बिना एस के. बिना एस के आपको यहाँ पे सिंगुलर नाउन क्या एस लगाते हो ना वर्ब में, वो भी नहीं लगाना है. डू फैमिली के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, समझ गए, मॉडल और डू का सेम रूल है. हैव फैमिली के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, याद कर लो. हैज, हैव, हैड, इनके बाद में
थर्ड फॉर्म के अलावा पास पार्टिसिपल के अलावा कुछ भी नहीं आता है। और बी फैमिली जो है ना इज एम आर वॉज वर वी वी बीन, ये एक्टिव के अंदर अपने साथ आईएनजी फॉर्म लेती है वर्ब की, पैसिव के अंदर अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है। समझ गए, ये स्लाइड को याद रखो, ये आप देखते ही समझ जाओगे कौन सी वर्ब क्या काम करती है। अब मैं यहाँ से समझाना जो चाह रहा हूँ ना वो ये है, देखिए मस्ट के बाद में क्या आया हुआ है, डू, गवर्नमेंट्स मस्ट डू, यहाँ पे डज नहीं आएगा, डिड नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, डन भी नहीं आएगा, मस्ट लग गया, मॉडल लग गई, बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनिटिव डू ही आएगा। सेंटेंस की पार्सिंग कर देते हैं, सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है ढूंढ लेते हैं ताकि सेंटेंस के पीछे की हमें ग्रामर पता लगे। गवर्नमेंट्स मस्ट डू, मस्ट यहाँ पे वर्ब है, सब्जेक्ट कौन होगा, देखिए किसको काम करना है, एक्टिव सब्जेक्ट सेंटेंस है आपका, यहाँ पे वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगी हुई है, मतलब एक्टिव है यहाँ पे। मस्ट, मस्ट जो आपकी हेल्पिंग वर्ब, डू आपकी मेन वर्ब, तो एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट होता है डूअर, तो गवर्नमेंट इज योर सब्जेक्ट, मस्ट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, डू यहाँ पे मेन वर्ब। अब देखो मोर, ये मोर जो है इस डू का ऑब्जेक्ट है, कैसे, गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए, जो चीज़ क्या का जवाब दे दे वो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाती है, मोर यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखो टू लगा के इसने बताया इंक्रीज, ये इन्फिनिटिव बोलते हैं, इन्फिनिटिव वाली सीरीज में आप देखेंगे पार्ट के अंदर इन्फिनिटिव क्या होते हैं, टू इंक्रीज, और इंक्रीज किसको करना है, पब्लिक अवेयरनेस को, पब्लिक की अवेयरनेस को, दोनों नाउन है इस इंक्रीज वर्ब के जो है ये ऑब्जेक्ट हैं। ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा उसका एक ऑब्जेक्ट लेगा, नाउन या प्रोनाउन, तो वैक्सीन इंपॉर्टेंस, ये वैक्सीन इंपॉर्टेंस कंपाउंड नाउन है, आपने ऑफ प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह इसको यहाँ लिखा है। अभी सेकंड पार्ट जो है अपलोड करने वाला हूँ ग्रामर सीरीज का, फर्स्ट पार्ट को आप अच्छे से देख लें ताकि सेकंड के लिए आप तैयार रहें। वीक में दो वीडियोस पब्लिश करूँगा, दो महीने में पूरी ग्रामर करवाने का मेरा जो है ना टारगेट है। शुरू करते हैं फटाफट से एडिटोरियल को, छोटी सी एक समरी देता हूँ। मीजल्स नाम की एक बीमारी है, हिंदी बोलते हैं खसरा, खसरे के बारे में मालूम चला, पूरी दुनिया में स्टैगरिंगली स्प्रेड हो रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मेडिकल साइंस तो ऊपर जा रहा है और खसरा जो बढ़ रहा है, मतलब हमारे पास चीज़ों के इलाज आ रहे हैं नए से नए, फिर भी खसरा बढ़ता जा रहा है। तो इसने एनालाइज़ किया, एनालाइज़ करके इसने कई रीजंस पाए खसरे के बढ़ने के, और रीजन इनको एक मेन ये मिला, लोग खसरे की वैक्सीन को, मीजल्स की वैक्सीन को लगाने से डरते हैं, क्यों, कुछ कारण होंगे उसके पीछे, उसी के ऊपर अपना एडिटोरियल आज का बेस्ड है। कह रहा है मीजल्स की वैक्सीन जो है ना उसके लिए मन से डर निकालो लोगों का, नहीं तो मौतें होंगी। कह रहा है इवन एज रिपोर्टेड मीजल्स केसेस ग्लोबली ड्यूरिंग दिस ईयर टू दिस ईयर डिक्रीज्ड बाय 59%, कोमा, कोमा टू कोमा चलना है, प्रपोजिशन टू प्रपोजिशन चलना है। कह रहा है यहाँ तक के इवन, जैसे कि रिपोर्टेड मीजल्स जो केसेज हैं, मीजल्स के ऐसे केस, खसरे के ऐसे केस जिनको रिपोर्ट कर दिया गया है ग्लोबली पूरी दुनिया में, और कब, इस पीरियड के दौरान, ड्यूरिंग मतलब दौरान 2000 से 2018 के अंदर, कह रहा है डिक्रीज्ड बाय 59%, ये जो केस है ना ये डिक्रीज हो गए 59% से, यहाँ तक कि ये होने के बावजूद, कह रहा है देयर हैज बीन अ स्पाइक, वहाँ रहा है एक चढ़ाव। स्पाइक क्या होता है, अचानक से बढ़ी हुई कोई चीज़ जो आपका इंक्रीज होता है एकदम, तो कह रहा है वहाँ पर रहा है एक बहुत बड़ा इंक्रीज सिंस 16, कब से, 2016 से, समझ गए, 2000 से 2018 में तो बड़ा डिक्रीज आया ही है, पर 16 के बाद जो है ना परफॉर्मेंस खराब हो रही है, स्पाइक आया है अचानक से, मीजल्स के केस जा रहे हैं बढ़। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ क्या थी, सिंपल सेंटेंस था, आप समझ गए मेरे साथ। अब आपके साथ एक छोटा सा कुछ जो है ना कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा, प्लस उसका क्विज है, ध्यान से देखना, नाउन चैप्टर के अंदर आप मेरे साथ ये पढ़ने वाले भी हो। ये मीजल्स क्या है, खसरा, खसरा क्या होता है, बीमारी है ना, बीमारी तो सिंगुलर होती है, मैं एक बीमारी की बात करूँगा एक टाइम में, मैं बोलूँ यार इसको पोलियो है तो इसको कई सारे पोलियो थोड़ा ना होते हैं, इसको एक ही पोलियो है ना, उसको आप बोलो उसको ये वाली बीमारी है, जुकाम है, तो कई सारे जुकाम नहीं होते ना, तो बीमारियाँ सिंगुलर होती हैं, पर इसके पीछे लगा हुआ एस, अब ये एस लगने वाली चीज़ तो प्लूरल हो जाती है, तो कुछ अपने पास ऐसी बीमारियाँ हैं, और क्या मैं बीमारियाँ छोड़ूँ, कुछ ऐसे नाउंस हैं जिनके पीछे एस लगने के बावजूद वो सिंगुलर होते हैं, आज का कॉन्सेप्ट आपका यही है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, बीमारियों के नाम बताता हूँ, डिजीज़ कौन कौन सी है, मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, और बता देता हूँ आपको एड्स, समझो, ये सब के सब, हालांकि एड्स में एस जो है उसका तो मतलब सिंड्रोम होता है, तो ये सब बीमारियाँ जो है ना आपको देख के लगेगा इनके नाम प्लूरल हैं, एक्चुअल में सिंगल बीमारियाँ हैं, ये कभी भी प्लूरल ट्रीट नहीं होती, इनके साथ में वर्ब कभी भी प्लूरल नहीं आती, हमेशा सिंगुलर जो है ना वर्ब की फॉर्म आएगी। और एग्जांपल देता हूँ इसके अलावा, इसको आपको साइंस के कई सब्जेक्ट्स हैं, साइंस के नहीं बोलूँ मैं, कई सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने वाले जिनके पीछे एस लगा होता है, मैथमेटिक्स,
पॉलिटिक्स, फिजिक्स, सोशल स्टडीज़। अब ये क्या है एक्चुअल में, ये सिंगल सब्जेक्ट हैं, पीछे एस लगे हुए। ये इनको आपको प्लूरल ट्रीट नहीं करना है, जनरली प्लूरल इनको ट्रीट नहीं करना है, आपको सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है। मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज नॉट आर, समझ रहे हो बात को। एस लगने के बावजूद ये होते हैं सिंगुलर। और बताता हूँ आपको, जब मेजरमेंट्स आ जाए, $10, 5 ग्लास, 20 स्पून, 10 चमचे, तब ये मेजरमेंट्स होती है ना सिंगुलरली यूज होती हैं, सिंगुलर इनको ट्रीट किया जाता है। जैसे मैं बोलूँ $10, $10 इज ऑल आई हैव, $10 ही है मेरे पास, तो मैं $10 इज ऑल आई हैव, आर नहीं लगा रहा हूँ मैं, डॉलर्स हैं, प्लूरल हो सकते हैं, पर मेजरमेंट बना दूंगा ना जब मैं किसी चीज़ को सब्जेक्ट की तरह यूज़ करूँगा, नाउन की तरह, तब वो चीज़ मेरे लिए सिंगुलर जो है उसको मुझे ट्रीट करना है, समझ गए बात को। इन तीनों जो है ना कैटेगरीज को हमेशा सिंगुलर वर्ब लगानी है इनके साथ। अब एक छोटा सा क्विज रखा है मैंने, 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन हैं इसके ऊपर, चारों क्वेश्चन के अंदर आपको अपनी एरर ढूंढनी है, यही कॉन्सेप्ट के ऊपर ये जो क्विज है ना बेस्ड, दिमाग से लगाओ अपना थोड़ा क्विज, आप इसको यहाँ पे ना रिपीट करके भी देख सकते हो, पर बड़ा इजीली आपको समझ में आ जाएगा अगर आप जो है इनको अटेम्प्ट करोगे तो। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं जिनकी गलत होगी, कमेंट करके मैं सही कर दूंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, जिन्होंने बाय प्रपोजिशन मेरे साथ सीखी है उसके बाद में वो देख रहे हैं 959%। मैंने आपको बताया था बाय प्रपोजिशन का काम एक ये भी होता है किसी क्वांटिटी को इंडिकेट करना, माय सैलरी वाज इंक्रीज्ड बाय 59%, मेरी सैलरी 59% इंक्रीज हो गई, वैसे यहाँ पे डिक्रीज्ड बाय 59%। बाय प्रपोजिशन का एक यूज़ होता है ये वाला, नहीं देखिए तो वीडियो ऊपर डाल रहा हूँ, सारे यूजेस बाय प्रपोजिशन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसमें जो है कंपेयर किए हैं। कह रहा है कंपेयर्ड विद ओवर इतने रिपोर्टेड केसेस इन 16, कंपेयर्ड विद तुलना करते हुए से ज़्यादा, कितने 132,000 से ज़्यादा, और क्या 132,000 हैं ये रिपोर्टेड केसेस हैं और कब के, इन 2016। कह रहे इससे तुलना करते हुए, कंपैरिजन करते हुए, कह रहे द नंबर शॉट अप टू ओवर 353,000 इन 2018। जो नंबर्स थे ना, जो आंकड़े थे, फिगर्स थे, वो शॉर्ट अप हो गए, शॉर्ट अप मतलब इंक्रीज हो गए, शार्पली बढ़ गए, कितने 353,000 से भी ज़्यादा 2018 में, तो 16 में ये, 18 में ये, समझ गए, 3 गुना 2 गुना जो ना इंक्रीज आ गया इनमें। कह रहे वाइल द नंबर्स इन 18 वर मोर देन डबल, कह रहे जहाँ जो नंबर्स हैं 2018 में वो थे मोर देन से ज़्यादा, डबल से ज़्यादा, दुगने से भी ज़्यादा द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के। कह रहे कोमल का के द नंबर्स इन 2019 हैव ऑलरेडी सरपैस्ड दोज ऑफ 2018, जो नंबर्स हैं ना 2019 के वो पहले से ही हैव सरपास कर चुके हैं, पीछे छोड़ चुके हैं उनको, 2018 वालों को, समझ गए। कह रहे 18 में डबल से ज़्यादा थे 17 के, प्रीवियस ईयर मतलब 17, जो 19 के हैं ना वो 18 वालों को भी पीछे छोड़ चुके हैं, मतलब बढ़ता जा रहा है 16 के बाद से 17 के बाद से। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ है सरपास्ट, सरपास्ट मतलब किसी चीज़ को आप जो है ना किसी चीज़ को, सर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ आगे निकल जाना, सरप्राइज, सरमाउंट, सरमाउंट मतलब होता है किसी चीज़ पे विजय पा लेना, सरप्राइज मतलब किसी को बहुत ज़्यादा हैरान कर देना, सरपास मतलब किसी को आगे निकल करके पास कर लेना, तो मतलब इसको आप ओवरटेक भी बोल सकते हो, किसी को पीछे छोड़ देना, सरपास, ओवरटेक। हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, अभी भाई साहब बताया था हैव फैमिली वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लेगी चाहे कयामत आ जाए, तो हैव के बाद में सरपास्ड, ऑलरेडी है यहाँ पे एडवर्ब। कह रहे बाय मिड नवंबर 19 ओवर 4 लाख केसेस वर रिपोर्टेड, कब तक, बाय नवंबर के मिड के, नवंबर मिड के दौरान या नवंबर मिड तक 4 लाख से भी ज़्यादा केस रिपोर्ट हुए थे, और कहाँ पे, ग्लोबली पूरी दुनिया में। यहाँ पे बाय प्रपोजिशन का आपने एक और यूज़ देखा, इसका यूज़ होता है किसी टाइम लिमिट तक, प्लीज़ रिटर्न माई मनी बाय दिवाली, दिवाली तक मेरा पैसा वापस कर दो, समझ गए। वर रिपोर्टेड पैसिव वॉइस है, बी फैमिली की वर्ब है वर, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, देखो बी फैमिली वर्क वर आ रहा है ना, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है रिपोर्टेड। सिंस मीजल्स सर्वेलेंस इज जनरली वीक, क्योंकि मीजल्स की, खसरे की सर्वेलेंस जो है ना, इस पर जो निगरानी है वो जनरली वीक होती है, बड़ी कमज़ोर होती है निगरानी। कह रहा कोमा WHO एंड द सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन, ये जो WHO नाम की ऑर्गेनाइजेशन है और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ये, कह रहा है इन दोनों ने रिसोर्टेड टू मतलब होता है किसी चीज़ का सहारा लेना या उतर आना, ये उतर आया इस चीज़ पे, इन्होंने सहारा लिया इस चीज़ का, और किस चीज़ का,
एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ मीजल्स केसेस एंड डेथ्स, एस्टिमेट करने का, अंदाज लगाने का मीजल्स के केसेस की और उनसे होने वाली डेथ्स का। तो सर्विलेंस नहीं होने के कारण इन्होंने लास्ट में इनको अंदाज ही लगाना पड़ा कितने केस हुए हैं और कितनी डेथ्स हुई हैं। इसको कहते हैं रिसोर्ट टू। देखिए रिसोर्ट टू इज़ अ फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब्स के बाद में जब टू लगा होता है ना जिस फ्रेजल वर्ब में, उसके बाद में जनरली हम वर्ब के आईएनजी फॉर्म को यूज़ करते हैं, जरंड को यूज़ करते हैं। खास ऐसे फ्रेजेज हैं हमारे पास जिनमें टू के बाद में एस्टिमेटिंग लिखा होगा, आप वर्ब के आईएनजी फॉर्म को यूज़ करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? ये फ्रेजेज मैं अलग से लिखता रहता हूँ आपके लिए सामने, आपके देखो ये 12 हो गए हमारे पास, विद द व्यू टू से लेकर के रिसोर्टेड टू तक। इन सब के बाद जब भी वर्ब लगेगी ना तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, आपने मेरे साथ एडिटोरियल्स में सीखा है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, याद रखें इनको। आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन एन अपडेटेड अपडेशन एस्टिमेशन मॉडल, कह रहा है आधार पे, बेस्ड ऑन, और किसके, एक अपडेटेड और ज़्यादा जो अपडेट वाला है एस्टिमेशन मॉडल। मॉडल क्या होता है, आपने कोई सिस्टम सा बना दिया जिसमें सारा एस्टिमेशन आ जाएगा, कैलकुलेशन से बना दी, तो कह रहा है उस कैलकुलेशन वाले मॉडल के हिसाब से देयर हैव बीन नियरली 10 मिलियन केसेस, वहाँ हुए हैं लगभग 10 मिलियन, 1 करोड़ केस, और क्या, एंड ओवर 1,42,000 मीजल्स डेथ्स इन 2018, इतनी से ज़्यादा, ओवर मतलब ज़्यादा, इससे मीजल्स से डेथ से 2018 में 1 करोड़ तो केस हुए हैं और 1,42,000 लोग जो हैं 2018 में मर गए हैं मीजल्स के कारण। समझ रहे हैं इजिली आप जो है ना, बड़े इजिली आप समझ सकते हैं, सिंपल एडिटोरियल लिखा हुआ है। लास्ट ईयर पिछले साल क्या हुआ, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये जो कॉन्गो नाम का कंट्री है, और कौन सा, लाइबेरिया, और कौन सा, मडगास्कर, और कौन सा, सोमालिया, और कौन सा, यूक्रेन, कह रहे इन सारे कंट्रीज ने लास्ट ईयर पिछले साल अकाउंटेड फॉर 45% ऑफ ऑल रिपोर्टेड केसेस। ये जो सारी कंट्री है ना, गरीब कंट्रीज हैं वैसे, इन्होंने अकाउंट फॉर किया। अकाउंट फॉर करने का मतलब क्या होता है, हिसाब देना। अकाउंट देते हो ना किसी को तो आप उसको अपना हिसाब देते हो, इन्होंने हिसाब लगाया या इन्होंने हिसाब दिया 45% सारे रिपोर्टेड केसेस का। मतलब क्या इस बात से, मान लो 100 केस हुए थे पूरी दुनिया में, तो ये कोंगो, लोंगो, लिबेरिया और फोंगा से, इनसे, यूक्रेन से 45 केस आ गए 100 में से। समझ रहे हो बात को, 45% के लिए अकाउंट फॉर किया। द सिचुएशन वर्सन्ड इन कोंगो बाय नवंबर, जो सिचुएशन थी, जो परिदशा थी, जो मतलब अपने आप में हालात थे, वो वर्सन हो गए। वर्सन होने का मतलब क्या होता है, और बुरे बन जाना। ये वो बैक टू बिकम वर्स, और बुरा हो जाना पहले से, इज कॉल्ड वर्सन। हालात और बुरे हो गए कोंगो में बाय नवंबर, नवंबर के दौरान, विद नियरली 4-fold इंक्रीज इन केसेस, के साथ ही लगभग 4 गुना बढ़त के उन केसेस में। अब ये कहाँ से कहाँ कितनी बढ़त है, फ्रॉम 65,000 इन 18 टू 2,50,000 इन 19, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसमें बढ़त आ गई 18-19 में। अच्छा और कैसे, एंड ओवर 5100 डेथ, 5100 से भी ज़्यादा डेथ्स होने के कारण। तो ऐसे जो सिचुएशन है ना, ख़राब हो रही है कोंगो नाम की कंट्री में। देखो फोल्ड का मतलब होता है, आप गुना बोलते हो ना, 4 गुना 3 गुना 5 गुना, तो आप उसको बोलते हो 4-fold 3-fold, और इस तरह से आप जो ना फोल्ड को आप यूज़ करें। आपने यहाँ पे बाय प्रपोजिशन का एक और यूज़ देखा, आपको मैंने बताया था बाय का मतलब होता है दौरान, या बाय का मतलब होता है इस टाइम जो है पीरियड तक। सन शाइन्स बाय द डे, सन जो है डे के अंदर शाइन करना है, तो यहाँ मैंने दौरान की तरह यूज़ किया। और यू रिटर्न माई मनी बैक बाय क्रिसमस, तो मतलब आप मेरी मनी जो है क्रिसमस तक मुझे दें, यहाँ मैंने बाय को यूज़ किया एज ए टाइम की लिमिट की तरह। दोनों तरीके से बाय यूज होता है, उस वीडियो मैंने अच्छे से समझाया, जिसने नहीं देखी ज़रूर से देखें, आप लोगों के लिए बनी है। द सिचुएशन इज इन यूक्रेन इज ग्रिम, जो परिदृश्य सिचुएशन है यूक्रेन में वो हो गई है ग्रिम। ग्रिम क्या होता है, आपने, आपको मैं ग्रिम के लिए एक पिक्चर बताता हूँ, हमेशा याद रखोगे। शाम का टाइम हो, बादल हो आसमान में, हल्की बारिश हो रही हो, तेज़ बिजली कड़क रही हो, हल्की हल्की, समझो तेज़ मतलब देखने में तेज़ हो, आवाज़ नहीं आ रही हो आपको, आपको जो मौसम लगेगा ना वो मौसम होता है ग्रिम मौसम, मतलब अंधेरे वाला, होपलेसनेस वाला वो मौसम। की ज़्यादातर मेरे को तो बहुत पसंद है, चलो वो मौसम, ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं होता वो मौसम, उसको देख करके उदास हो जाएंगे। तो ग्रिम का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो आपको होपलेस कर दे, जो बड़ी भयानक लगे, और इसके लिए एक वर्ड है ग्लूमी, जो ग्लूमी लगे आप में, जिसमें निराशा बढ़ जाए आपके अंदर। तो सिचुएशन जो है ना वो और काली है, अंधकार भरी है, जो ग्लूमी है यूक्रेन के अंदर। आफ्टर ए 50% ड्रॉप इन नंबर ऑफ केसेज इन 18 के बाद में, 50% ड्रॉप के बाद में, कमी के बाद में नंबर ऑफ केसेस के अंदर 18 के अंदर, कब से, कंपेयर्ड विद 17 2018
तुलना में कंपैरिजन में 2017 के, कह रहे इसके बाद में हुआ क्या, द ट्रेंड हैज़ नाउ रिवर्स्ड, ये जो रुझान है ना, ट्रेंड जो है अब हो चुका है रिवर्स। रिवर्स होने का मतलब क्या होता है, जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनको पता होगा रिवर्स गियर क्या काम करता है, रिवर्स मतलब उल्टा आना, तो ये ट्रेंड जो है ना रुझान अब उल्टा आने लगा है। अब कैसे, ये हाइफन लगा के बताएगा, 58,000 केसेस बाय मिड नवंबर दिस ईयर, इस साल के अंदर सिर्फ इतने केस आए इसके अंदर, कह रहा विच इज़ 4,000 मोर देन इन 18, जो कि महज खाली 4,002 ज़्यादा है 2018 से, समझ रहे हो बात को, तो 19 के अंदर थोड़ी सी ग्रोथ कम हो गई मीजल्स के केसेस के बढ़ने की रफ्तार की। सेंटेंस में देखने वाली एक चीज़ मैं आपको फटाफट बताता हूँ, वैसे तो कुछ भी नहीं है इसमें देखने वाला, हैज़ के बाद में मैंने अभी बताया था आपको वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म लगानी है, हैज़ रिवर्स। देखते जाओ आज जहाँ जहाँ हैज़ आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाऊंगा, डू आएगा वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाऊंगा, और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको मैं दिखाऊंगा। देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन, वहाँ रहा है एक डिक्लाइन, डिक्लाइन होती है कमी उतार, इन द अदर थ्री कंट्रीज मैंशनड, उन तीन कंट्रीज़ जो कि मेंशन हमने की, अदर दूसरी सिवा कोंगो के, सॉरी यूक्रेन के, बाकी की तीन कंट्रीज़ के अंदर यहाँ पे डिक्लाइन रहा है। अब देखो ये मेंशन कंट्री के बाद दैट रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा है, दैट रिपोर्टेड द मोस्ट नंबर ऑफ केसेस लास्ट ईयर, ये वो कंट्रियाँ हैं जिन्होंने रिपोर्ट किए सबसे ज़्यादा केस पिछले साल, समझ गए बात को, यूक्रेन के अलावा बाकी तीन कंट्रीज़ के अंदर भी डिक्लाइन रहा है। एक सेंटेंस में देखने वाली चीज़ क्या है, अभी मुझसे कोई यहाँ पूछे, देखिए बिगनर ही पूछेगा, इंटरमीडिएट नहीं पूछेगा, सर यहाँ पे हैज़ के बाद तो बीन आ गया, कहाँ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या होता है भाई बीन, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म को बीन बोलते हैं। रूल तो वही रहेगा चाहे तुम कुछ भी बना लो, आप कैसे भी घुमा लो, हैज़ के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, हैज़ हैव और हैड के बाद में, तो बीन क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है। हालांकि ये टेंस कुछ और है, ये कुछ और कहना चाह रहा है, हैज़ के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म इसने डायरेक्टली यूज़ नहीं किया, पर जो यूज़ किया ना वो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। आगे बढ़ते हैं, दैट क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन है, विच दैट और हु, इन तीनों को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, अलग से हम देख चुके हैं, अगर आप नए हो चैनल पे, नहीं समझते हो दैट विच और हु में क्या फ़र्क होता है, देखो तीनों लग सकते हैं यहाँ पे, फ़र्क है इनमें, नहीं पता तो एक वीडियो डाल रहा हूँ ऊपर, आराम से शांति से देखें उसको। वैक्सीन हेजिटेंसी हैज़ बीन हाईलाइटेड फॉर द स्टैगरिंग स्प्रेड इन केसेस ग्लोबली, देखिए वैक्सीन हेजिटेंसी, हेजिटेंसी क्या होती है, आपने सुना होगा यार मैं बड़ा हेजिटेंट हूँ, या मुझे बड़ा हेजिटेशन होता है, मुझे संकोच होता है, हिंदी बोलते झिझक, आप जो झिझक होती है ना आपकी, वो होती है आपकी हेजिटेंसी। कह रहा वैक्सीन हेजिटेंसी जो है ना, वैक्सीन लगाने की जो जो झिझक है, कह रहा हैज़ बीन हाईलाइटेड, वो हाईलाइट की जा चुकी है, उसको हाईलाइट किया जा चुका है, किसके लिए, फोर लगा बताएगा, द स्टैगरिंग स्प्रेड, उस स्प्रेड के लिए, उस फैलाव के लिए जो दिमाग चकरा देने वाला है, और किस में, इन केसेस, ऐसे केसेस में, और कहाँ पे, ग्लोबली पूरी दुनिया में, समझ बात को, तो वैक्सीन हेजिटेंसी है ना उसको इसने किया है हाईलाइट। हेजिटेंसी एक जो है ना एडजेक्टिव है, सॉरी नाउन है, मैंने यहाँ पे एडजेक्टिव क्यों लिखा है आई डोंट नो, हेजिटेंसी को आपने अगर सिनोनिम देखने हो, रिलक्टेंस कल आपने मेरे साथ देखा था, आपकी अनिच्छा किसी काम को ना करने की आपकी नियत, और स्केप्टिसिज्म किसी चीज़ पे आपको डाउट हो। हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पैसिव वॉइस, बताया ना आपको मैंने हैज़ बीन वाली वीडियो के अंदर अलग से, हैज़ बीन हैव बीन के सब यूसेस एक वीडियो में हम सीख चुके हैं, नए हों तो ज़रूर देखें, उस वीडियो को ऊपर डाल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, इन DR कॉन्गो, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, कह रहे देयर इज लो इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट, वहाँ है बहुत कम इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट। इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट क्या होता है, देखिए ट्रस्ट होता है आपका विश्वास, भरोसा, इंस्टीट्यूशनल होता है ऐसा ट्रस्ट जो कि इंस्टीट्यूशन में हो, जो कि सरकार के अंदर हो, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, तो कॉन्गो में जो है ना इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट बहुत कम है, लोगों को सरकार पे बड़ा कम भरोसा है इस मामले के अंदर खासकर, और क्या चीज़ दूसरी है, मिस इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना, मिस मतलब गलत, दूसरी है अफवाह, और तीसरी क्या है, वैक्सीन शॉर्टेज, वैक्सीनों की कमी, और चौथी क्या है, एंड इवन अटैक्स ऑन हेल्थ केयर सेंटर्स एंड वर्कर्स, यहाँ तक कि हमले हेल्थ केयर सेंटर्स के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर,
और हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर, डॉक्टर्स नर्सेज के ऊपर, कह रहे लीडिंग टू द स्प्रेड ऑफ बोथ मीजल्स एंड एबोला, जो कि लीड टू करते हैं, आगे ले जाते हैं फैलाव की तरफ मीजल्स और एबोला दोनों के। सेंटेंस थोड़ा सा ना आपको लगेगा लंबा है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, तो तीन चार चीज़ें आई ना, आप थोड़े से कन्फ्यूज होंगे इसमें। कह रहे डीआर कोंगो में वहाँ पे लो इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट है, देर इज लो इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट है। दूसरी चीज़ है वहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन, तीसरी चीज़ है वहाँ पे वैक्सीन की शॉर्टेज, और चौथी चीज़ है वहाँ पे अटैक्स, हमले किस पे, हेल्थ केयर सेंटर्स के ऊपर और वर्कर्स के ऊपर। और ये सब चीज़ें क्या है, लीड टू करती हुई हैं, फैलाव करती हुई हैं इन दोनों बीमारियों का, इबोला एंड मीजल्स का, समझ गए। द फिलीपींस एंड द स्मॉल पैसिफिक आइलैंड ऑफ समोआ, कह रहे ये जो फिलीपींस है ना, और एक छोटा सा पैसिफिक आइलैंड है समोआ नाम का। पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर में, पैसिफिक आइलैंड जो है ओशन में है, स्मॉल मतलब छोटा, आइलैंड आप जानते हैं, आइसलैंड नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइलैंड। तो देखो फिलीपींस और ये स्मॉल पैसिफिक ओशन वाला आइलैंड समोआ, कह रहे सर्व एज ए टेक्स्ट बुक केस, ये सर्व करते हैं, ये बन करके आते हैं, सेवा करते हैं। सर्व करने का मतलब क्या है, किसी काम को पर्पज़ को पूरा करना, ये पर्पज़ को पूरा करते हैं बनने का एक टेक्स्ट बुक केस का। टेक्स्ट बुक केस क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, मिसाल समझ लो ना, मिसाल और किसकी, ऑफ द सडन इमरजेंस ऑफ वैक्सीन हेजिटेंसी, अचानक से होने वाली इमरजेंस का। इमरजेंस क्या होता है, किसी चीज़ का निकल करके आना, उभर के आना, और क्या निकल के आया, वैक्सीन की हेजिटेंसी। देखो सेंटेंस को एक बार फिर से बता रहा हूँ, फिर इसके अंदर की चीज़ देखेंगे। फिलीपींस और स्मॉल पैसिफिक आइलैंड समोआ का, ये दोनों बन जाते हैं एक बड़ी मिसाल, किस चीज़ की, अचानक से होने वाली, इमर्ज होने वाली, उभर करके आने वाली वैक्सीन हेजिटेंसी का। यहाँ पे अचानक से वैक्सीन हेजिटेंसी आई है, लोगों ने वैक्सीन लगाना बंद कर दिया। टेक्स्ट बुक क्या केस क्या होता है, ऐसा केस जो आप टेक्स्ट बुक में पढ़ते हो, टेक्स्ट बुक में क्या पढ़ते हो, मिसालें पढ़ते हो ना, तो टेक्स्ट बुक केस का मतलब है एग्जाम्पल, जिसको आप बड़े अच्छे से स्टडी कर पाओ। अब मिसाल के लिए दो वर्ड्स हैं एडिटोरियल में, आपने मेरे साथ सीखे हैं, प्रेसिडेंट एंड पैरागॉन। पैरागॉन तो चप्पल आती है ना, वो नायलॉन वाली पैरागॉन, वही चप्पल वाला ये पैरागॉन है, और दूसरा है प्रेसिडेंट, दोनों का मतलब क्या होता है, मिसाल। ये प्रेसिडेंट नहीं है अपने, राष्ट्रपति नहीं है, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट, समझ गए। इमरजेंस आपको मैंने बता दिया, किसी चीज़ का निकल करके उभर करके आना, अपीयरेंस बोल सकते हो, एमिनेशन एक वर्ड है किसी चीज़ का उभर करके आने का, वो चीज़ एमिनेट होती है, एमिनेशन होता है उसका। एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, बहुत दिन पहले मैंने आपको बताई थी, फिलीपींस में एस क्यों लगा हुआ पीछे, ये कई ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पीछे आप एस लगाते हो, इनके पास एस तो ठीक है इनके पीछे लगेगा लगेगा, पर जिन भी कंट्रीज़ के पीछे एस लगता है ना, उनके नाम के आगे द लगता है, बड़ा अजीब सा ये रूल है इंग्लिश का। फिलीपींस है तो आगे द लगेगा, नेदरलैंड्स है आगे द लगेगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स मतलब प्लूरल है तो आगे द लगेगा, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड है मतलब कई सारे हैं, प्लूरल का जो आपको दे रहा है इसलिए आगे द लगेगा, याद रखें द लगता है ऐसी कंट्रीज़ के नाम के आगे। मास इम्यूनाइजेशन यूजिंग अ न्यूली अप्रूव्ड डेंगी वैक्सीन, कह रहा मास, मास मतलब बड़े स्केल पे सारी पब्लिक को जिसमें इंक्लूड कर लो आप, और इम्यूनाइजेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन का सिनोनिम है, इम्यूनाइजेशन मतलब टीकाकरण, कह रहा बड़े स्केल के ऊपर टीकाकरण जो है, इम्यूनाइजेशन जो है, वैक्सीन लगाने का जो काम है, कैसे यूज करते हुए एक नए अप्रूव डेंगी वैक्सीन को। देखिए डेंगू आप बोलते हैं, डेंगू बोलते हैं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, डेंगी, डेंगी बता रहा हूँ मैं आपको, देखना किसी डिक्शनरी में। तो ये जो चीज़ है ना मास इम्यूनाइजेशन, इस डेंगी वैक्सीन जो अप्रूव हुई थी नई नई, कहाँ पे, फिलीपींस में, कह रहा बिफोर द रिस्क एसोसिएटेड विद द वैक्सीन वर रिपोर्टेड, और ये कब हुआ है मास इम्यूनाइजेशन, पहले जो रिस्क एसोसिएटेड थे, जो जोखिम भरे हुए थे, साथ में जुड़े हुए थे विद द वैक्सीन, इस वैक्सीन के साथ वर रिपोर्टेड, वो हुए रिपोर्ट उससे पहले, और रिपोर्ट किसने किए, बाय द मैन्युफैक्चरर, इस मैन्युफैक्चरर ने जिसने वैक्सीन बनाई थी। कह रहे शैटर्ड पब्लिक ट्रस्ट इन वैक्सीन, इस मास इम्यूनाइजेशन ने शैटर कर दिया, टुकड़े कर दिया पब्लिक के ट्रस्ट को वैक्सीन के अंदर, समझ में बात को। पहले तो सारी फिलिप जो है ना फिलीपींस में लगा दी वैक्सीन डेंगी की, बाद में मैन्युफैक्चरर ने बताया होगा कि भाई इसे तो बीपी बढ़ जाएगा आपका, बीपी गोली खानी पड़ेगी ज़िंदगी भर, तो सारी पब्लिक का जो ट्रस्ट है ना वैक्सीन के अंदर शैटर हो गया। मैं नहीं कह रहा हूँ ये बीपी वाला, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ब्लड प्रेशर का उसने कुछ बताया होगा, कुछ भी बताया होगा। कह रहे सो लो वैक्सीन कवरेज लेड टू मेजल्स एंड पोलियो आउटब्रेक्स, इसलिए कम लो वैक्सीन की कवरेज लीड टू कर गई, आगे ले गई खसरे की तरफ और पोलियो की तरफ, और कहाँ पे, इनके
आउटब्रेक की तरफ। आउट मतलब बाहर, ब्रेक मतलब टूटना, किसी चीज़ का बाहर निकल करके टूट करके फैल जाना उसको कहते हैं आउटब्रेक। मतलब क्या इसका, एक महामारी, एंडेमिक या बोल सकते हो ऑन सेट, इन सब का मतलब क्या होता है, महामारी। समझ गए, सेंटेंस पूरा आपने मेरे साथ देख लिया है, आगे बढ़ते हैं। शैटर नाम के वर्ड को जो आप जो ना थोड़ा सा नोट करें, इसका मतलब होता है टुकड़े टुकड़े कर देना, पीसीस कर देना। पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब रिपोर्टेड, वर्ब के बाद में रिपोर्ट नाम की वर्ब लगी हुई है थर्ड फॉर्म उसकी। याद करें इस वर्ड को, डेंगी, नॉट डेंगू, डेंगी। इन समोआ एन एरर इन प्रिपेयरिंग द मीजल्स मम्स एंड रूबेला इंजेक्शंस। तो समोआ में क्या हुआ, एक एरर, एक त्रुटि, एक मिस्टेक्स किसके अंदर, प्रिपेयर करने में, इसको मीजल्स को और किसको, मम्स को और किसको, रूबेला को और इनके क्या, इंजेक्शन को। तो कह रहे हैं जो एरर है ना ये लेड टू कर गई, लीड कर गई, ले गई हमें डेथ तक, किसकी, दो इन्फेंट्स, दो बच्चों की, दो बच्चे इसमें मारे गए इस एरर के कारण, जो है डेथ हो गई उनकी। इन्फेंट कौन होता है, समवन हु इज इन फैंसी, फैंसी होता है आप जिस चीज़ के अंदर सिर्फ जो ख्याल बुनते हो, बच्चे क्या होते हैं, ख्याल ही बुनते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता एक साल की एज तक, तो 12 महीने के बच्चे को हम इन्फेंट बोलते हैं, 12 महीने तक के बच्चे को, फैंसी में होता है वो। फियर मॉन्गरिंग लेड टू ए फॉल इन वैक्सीन अपटेक। देखिए फियर मॉन्गरिंग, ये मॉन्गर वर्ड को आप समझो हो तब आप फियर मॉन्गरिंग समझोगे। मॉन्गर होता है किसी चीज़ को इल्लीगली आगे बढ़ाना या बेचना। तो जब किसी चीज़ को आप इल्लीगली किसी को आगे बढ़ाते हो ना या बेचते हो, सेल करते हो, वो हो जाती है मॉन्गरिंग। अब फियर मॉन्गरिंग क्या हो गया, डर फैलाने का काम, नफरत को बढ़ाने का काम, समझ मेरी बात को। तो कह रहा फियर मॉन्गरिंग का जो काम है, डर को आगे फैलाने का जो काम है ना, वो लेड टू, वो हमें ले गया एक फॉल, एक गिरावट की तरफ इन वैक्सीन अपटेक, वैक्सीन की अपटेक में। अप मतलब ऊपर, टेक मतलब लेना, किसी चीज़ को आप स्वीकार करते हो, किसी चीज़ को आप मांग करके लेते हो सामने से, अपटेक करते हो, कंज्यूम करते हो। तो फियर मॉन्गरिंग के कारण वैक्सीन की अपटेक हो गई कम। कह रहे लीडिंग टू एन आउटब्रेक ऑफ मीजल्स, लीड टू करते हुए आगे ले जाते हुए एक आउटब्रेक की तरफ, एक महामारी की तरफ, मीजल्स नाम की इस बीमारी के। मीजल्स सिर्फ एक बीमारी है, फिर बता रहा हूँ, क्विज को अटैम्प्ट करें, मीजल्स, रिकेट्स, एड्स, ये सब की सब मम्स सिंगल बीमारी हैं, सिंगल इनके साथ वर्ब यूज़ करते हैं आप। फियर मॉन्गरिंग की जगह आप पैडलिंग भी यूज़ कर सकते थे, पैडल का मतलब यही होता है, जैसे कोई चीज़ ड्रग पैडल करते हैं ना, ड्रग को बेचते हैं गलियों में जा जा करके, वो भी मॉन्गरिंग करते हैं, पैडलिंग करते हैं, दोनों का मतलब एक। बट इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज, लेकिन बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में एंड द US और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वैक्सीन हेजिटेंसी हैज़ बीन ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स। जो वैक्सीन से हेजिटेंसी है ना, जो संकोच है वैक्सीन का, वो रहा है रिलीजियस ग्राउंड्स पे, धार्मिक आधारों पे। एंड प्राइमरली ड्यू टू एंटी वैक्सीनेशन कैंपेन्स, और खासकर प्राइमरली के कारण से एंटी वैक्सीनेशन कैंपेन्स के, ऐसे मोर्चों के, ऐसे कैंपेन्स के, अभियानों के जो कि एंटी वैक्सीनेशन है। और कैसे हैं अभियान, स्प्रेडिंग फेक न्यूज़ अबाउट वैक्सीन सेफ्टी, स्प्रेड करते हुए खराब फेक न्यूज़ को, गलत इन्फॉर्मेशन को वैक्सीन की सेफ्टी के बारे में। सेंटेंस समझ गए, सिंपल सेंटेंस है, लोग रिलीजन के चक्कर में वैक्सीन यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि हमारे रिलीजन में वैक्सीन जो है ना अलाउड नहीं है, वैक्सीनेशन इज़ नॉट अलाउड इन आवर रिलीजन। दुनिया चांद पर जा रही है, यहाँ कई रिलीजन बोल रहे हैं कि पोलियो की वैक्सीन मत दो, खसरे की वैक्सीन मत दो। तो होता है ऐसे, कई रिलीजन्स के अंदर कॉन्डम्स आर नॉट अलाउड, इफ़ यू यूज एन कॉन्डम इट बिकम्स अ ब्लास्फेमस थिंग, यू आर डूइंग समथिंग अगेंस्ट योर रिलीजन इफ यू आर यूजिंग अ कॉन्डम। तो वाहियत से ख्याल है, कह रहे टू काउंटर राइजिंग हेजिटेंसी, काउंटर करने के लिए, जवाब देने के लिए बढ़ती हुई हेजिटेंसी को, इस झिझक को, अबाउट अ डजन यूरोपियन कंट्रीज, लगभग एक दर्जन यूरोपियन कंट्रियाँ जो है ना हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड, वो पहले से इंट्रोड्यूस कर चुकी हैं, पहले से ही जो है लेकर के आ चुकी हैं लॉज, उन कानूनों को। और कैसे कानून, मेकिंग वैक्सीनेशन मैंडेटरी, जो कि मेक करते हैं टीकाकरण, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन को मैंडेटरी। मैंडेटरी क्या होता है, कंपल्सरी, नेसेसरी, करना पड़ेगा नहीं तो अंदर कर देंगे। हैव बस प्लस में ऑलरेडी तो एडवर्ब है, प्लस में क्या आया, इंट्रोड्यूस्ड, हैज हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आएगी। ऊपर आपने देखा द US लिखा था, अभी मैंने आपको बताया ना फिलीपींस, नेदरलैंड्स, US, UK, इनके पहले हमेशा आपने द लगाते हैं, देखो द लगा हुआ है। आगे बढ़ें, न्यूयॉर्क सिटी टू इंट्रोड्यूस सच अ लॉ, न्यूयॉर्क सिटी जो है ना उसने भी इंट्रोड्यूस किया ऐसे एक लॉ को। कब, व्हेन द US नियरली लॉस्ट इट्स मेजर्स एलिमिनेशन स्टेटस, जब US जो है ना, द US जो है उसने लगभग नियरली बड़े करीबी से लॉज लूज कर दिया, खो दिया
अपने मीजल्स के ख़त्म करने वाले स्टेटस को। मीजल्स एलिमिनेशन स्टेटस मतलब हमने खसरे को, मीजल्स को ख़त्म कर दिया बिल्कुल। इस स्टेटस को जब वो लूज़ करने वाला था ना, नियरली लूज़ करने वाला था, तब इन्होंने एक लॉ को इंट्रोड्यूस किया। सच लॉज मे प्रूव काउंटर प्रोडक्टिव इन लॉन्ग रन। कह रहे ऐसे जो लॉज है ना, हो सकता है वो साबित हों, मे प्रूव काउंटर प्रोडक्टिव। काउंटर प्रोडक्टिव क्या होता है? देखिए काउंटर मतलब बिल्कुल उल्टा, जवाब में कोई चीज़ हो तो वो काउंटर बोलते हैं। प्रोडक्टिव होता है जो आपको चीज़ प्रोडक्शन दे जिसका कुछ फ़ायदा निकले। काउंटर प्रोडक्टिव मतलब नुकसान वाली चीज़, आपके कोई फ़ायदा नहीं आए, बेकार में आपका टाइम वेस्ट करे। तो लॉ जो है ना ऐसे वो प्रूव हो सकते हैं, साबित हो सकते हैं काउंटर प्रोडक्टिव बिना काम के। कब? इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन के अंदर, लंबे टाइम के अंदर। कह रहा एंड द ओनली वे टू इंक्रीज वैक्सीन अपटेक, कह रहा महज अकेला एक ऐसा तरीका बढ़ाने का वैक्सीन की अपटेक को, इज बाय एडुकेटिंग द पब्लिक। ये है एजुकेट करके, शिक्षा दे करके, तालीम दे करके पब्लिक को। समझ मेरे बात को? सिर्फ एक ही तरीका है, पब्लिक को समझाओ पढ़ाओ, कुछ नहीं रखा रिलीजन विलीजन में, वैक्सीन को इस्तेमाल करो नहीं तो मारे जाओगे। मे मॉडल वर्ब है, आपको मैंने बताया था मॉडल्स के बाद आपको यूज़ करना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल वर्ब्स है ना, मे क्या लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या लगाया आपने? मे के बाद में प्रूव लगाया, प्रूव नहीं लगाया, प्रूविंग नहीं लगाया, यही कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग दी है मॉडल्स के बाद। विद 2.3 मिलियन चिल्ड्रन नॉट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट मीजल्स लास्ट ईयर, विद के साथ ही 2.3 मिलियन इतने चिल्ड्रन बच्चे नॉट नहीं वैक्सीनेटेड हुए, जो वैक्सीनेटेड अगेंस्ट खिलाफ मीजल्स खतरे के खसरे के लास्ट ईयर पिछले साल। कह रहे इसके साथ ही इंडिया हैज़ मच, इंडिया के पास बहुत कुछ है टू डू करने के लिए, टू प्रोटेक्ट हिफाजत करने के लिए इट्स इसके यंग सिटीजन जवान नागरिकों की। समझ गए बात को? पिछले साल 2.5 करोड़ बच्चों ने मीजल्स की वैक्सीन नहीं ली है, इंडिया के पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ करने को है इन बच्चों को, इनको बचाना है। तो चलिए सिंपल सा एडिटोरियल था आज का, एक बहुत अच्छी रीड थी, नया कॉन्सेप्ट था साइंस के ऊपर, वैक्सीन के ऊपर था। नाउन्स जो आपने मेरे साथ सीखे उस कॉन्सेप्ट को नोट करें, नाउन की अगली वीडियो आई विल पब्लिश होपफुली ऑन सैटरडे और संडे, वीक में दो वीडियोज हम करने वाले हैं, तो तैयार रहें उसके लिए, अपने नोट्स बनाते रहें। अच्छा लगा हो तो लाइक करके बताएं, यू कैन टेल मी इन कॉमेंट सेक्शन, प्लीज़ अटेम्प्ट द क्विज एंड गिव मी द आंसर्स इन कॉमेंट सेक्शन। फिर मुलाकात लूँगा कल सुबह के न्यूज़पेपर के साथ होपफुली। दे इजाज़त, तब तक के लिए साइनिंग आउट।